अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद असमल है और मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में केमिस्ट्री के लेक्चरर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज के टॉपिक पर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक होमोलोगस सीरीज है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ेंगे वो है अल्कोहल से और एल्डिहाइड से, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेज होते हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं और जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेज होते हैं वो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेज में होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और एलिगेंट अल्कीन बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं। इसी तरह अगर हम एल्डिहाइड को मजीद ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूस कर दें, रिडक्शन करवा दें तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो कीटोन्स होंगे उनकी जब रिडक्शन करवाएंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। इट्स मीन कि हम जो यहां पर लेक्चर पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन वो डायरेक्ट नहीं होगी, दो स्टेप्स के अंदर होगी। जो प्राइमरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है आर सी एच टू ओ एच। इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है। मैं इन दोनों हाइड्रोजन को ऐसे सेपरेटली शो कर रहा हूं, यहां पर सी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करने के लिए कंडीशन क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ में एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4। तो क्या होगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसी कार्बन से हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देंगे। मतलब ये हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन, आप ये वाला हाइड्रोजन भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके वाटर बना देंगे। अब देखिए हमारे पास इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हो चुके हैं, एक बॉन्ड तो उसका हाइड्रोक्सीजन टूटा है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन टूटा है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी आर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये देखें हमारे पास किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है। अब ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं हो जाएगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, वो कैसे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कंडीशन वही के टू सी आर टू ओ सेवन एच टू एसओ फोर। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान अगर खुद को एडजस्ट कर देगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया और एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर ली। एल्डिहाइड की हम करने की एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर लें कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट है, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, उनसे बड़ा आसानी ऑक्सीडाइज हो जाता है।
और ये रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो मेथड पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है आर आर एम जी एक्स, मतलब अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड बना होता है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का बॉन्ड बना होता है हाइड्रोजन के साथ। इस मैग्नीशियम की वजह से आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा हमेशा आर एम जी बॉन्ड, मतलब अल्काइल और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड बना हुआ टूटेगा। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो याद रखें हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये सारा जो रिएक्शन है ये बेसिकली ईथर की मौजूदगी के अंदर होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइली रिएक्टिव है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ईथर के अंदर रखे रखते हैं। क्योंकि अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉर्मल एटमॉस्फेयर पड़ा होगा ना तो ये हवा में से वाटर के साथ रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव अल्केन बना देगा, यहां पर आने का ईथर। अब रिएक्शन किस तरह से होगा, ये जो आर है बेटे इसको पर नेगेटिव किया ये भी अनस्टेबल है, इसने क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है कार्बन उससे रिएक्शन करना है। अब कार्बन देखें जरा, ऑलरेडी कार्बन के चार बॉन्ड बने हुए हैं तो कार्बन क्या करता है इस आर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपना कोई भी एक पाई बॉन्ड ये है और दूसरा पाई बॉन्ड ये है, पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन उठाएगा और ऑक्सीजन को दे देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आर क्या करेगा इस कार्बन से आगे जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट लिखते हैं हम क्या बनती है, सिर्फ मैं कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड बन गया साथ में नेगेटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो चुका है इस ऑक्सीजन के ऊपर। आर है इस कार्बन से बॉन्ड बना गया, ये बन गया बॉन्ड आर के साथ। अब देखें जरा हमारे पास इस ऑक्सीजन का यहां पर मतलब बॉन्ड ट्रांसफर उसका नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा यहां रुकेगा और इस ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बना देगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी सॉरी यहां पर आ जाएगा एम जी एक्स। अब ये जो हमारे पास का बॉन्ड बना है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर देता है नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं ऐसे ही यहां पर लिख रहा हूं कार्बन ओ नेगेटिव एम जी एक्स पॉजिटिव आर डबल बॉन्ड ओ प्लस एच ओ एच, वाटर में से क्या होगा अब ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये सारा का सारा जो ग्रुप है ना एम जी एक्स अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन से आगे बॉन्ड बना लेगा क्या बन जाएगा, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कार्बन डबल बॉन्ड ओ आर OH प्लस। अब देखिए इस मैग्नीशियम का बॉन्ड फ्री हो चुका है, मैग्नीशियम क्या करेगा इस हाइड्रोक्साइड के साथ आकर बॉन्ड बना देगा, हमारे पास बन जाएगा MgX and OH। तो ये देखने जरा ये जो मैंने कंपाउंड यहां पर बनाया है इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा कार्बन का बॉन्ड बना है ना R से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, इस कार्बन का बॉन्ड था R के साथ डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था OH के साथ, तो ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतने हमने पढ़ना था, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।